वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, यूएसए ने भारतीय इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट और उसकी परेड निकाल कर पाकिस्तान के पिछवाड़े में लगा दिया। यूएसए में भाई साहब, कल हमारा भी गुजरा। आपको कहीं नजर आया कोई कीड़ा रिंगता हुआ भी? नहीं, मुझे तो किधर नजर नहीं आई। तो भाई साहब, इंडिया में की सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ परेडे निकाल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, क्या बोल रहे हो यार। वॉच करते हैं भाई साहब, ये तो देखेंगे तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा भाई ये क्या बन गया यूएसए में यार। तो कनन करते स्टार्ट। 4 या 4.5 किलोमीटर हम चलेंगे, पूरी वॉक है। अच्छा, और अच्छा। 2 से 2.5 घंटे की ये पूरी परेड होगी। देखो नमस्ते इंडिया, सबसे पहले विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आपको बता दूं, मेरी फर्स्ट टाइम है 15 अगस्त कि मैं अपने इंडिया, अपने भारत से मैं बाहर हूँ। मैं हूँ, आपको सबको पता ही है, मैं हूँ यूएस में। बट यहाँ पर जो लोकल इंडियन कम्युनिटी है वो किस तरह से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है, मेरे को आज वो ज़रूर दिखाना है। देखो, ऐसा मौका कब मिलेगा, फिर कब ये मौका आएगा आपको भी पता है। तो मैंने सोचा चलिए आपके लिए एक स्पेशल इंडिपेंडेंस डे व्लॉग अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। सबसे पहले मैं आपको करंट लोकेशन दिखाऊँ। ये आप देखोगे तो दिस इज ओक ट्री रोड, एडिसन, न्यू जर्सी। यहाँ पर इसको कहा जाता है लिटिल इंडिया, मिनी इंडिया। अच्छा। ज्यादातर आपको यहाँ पर लोकल इंडियंस मिलेंगे। तो अगर आपको ये वाली स्ट्रीट दिख रही है ना, ओक ट्री, यहाँ पर अभी एक इंडियन परेड होनी है। सुबह के इट इज अराउंड 12:30, मतलब दोपहर की आप कह लीजिए 1:30 यहाँ पर परेड शुरू होगी। अगर आपको देखो जूम करके दिखाऊं तो देखो लोग यहाँ पर, आप यार ये देखिए कितना आया हुआ है। साड़ी में लेडीज आप देख सकते हैं और कुर्ते में देख सकते हैं। हम तो समझ रहे, आप ये व्लॉग 15 अगस्त को देख रहे हो, बट आज जो ये डेट है यहाँ पर इट इज 10 अगस्त एंड दिस इज बिकॉज संडे। तो लोग यहाँ पर आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार मैं कुर्ता लाना भूल गया, ये एक छोटी सी मेरी मिस्टेक जरूर हुई है, अदरवाइज लोकल रंग में मैं रंग जाता। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ पर परेड कैसी होती है, यहाँ पर यूएस में सेलिब्रेशन कैसा होता है वो दिखाना। यार देखो ये देख के दिल खुश हो गया, मतलब तिरंगे के रंग में लोग यहाँ पर। यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आपको फ्लैग दिखाऊं, आप दोनों फ्लैग वहाँ पर साथ में देख सकते हैं। शुरू करें, देखो यार आपको स्टाइल बता दो, ऐसे नहीं कमा यार। यूएस का आपको मैं सेलिब्रेशन दिखा रहा हूँ इंडिपेंडेंस डे का कैसे होता है, ऐसे थोड़ी ना, कमा थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। आई गेस पुलिस ने यहाँ पर तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है, थोड़ी देर में शायद इस रोड को भी बंद किया जाएगा पूरा। देखो पुलिस, आप वहाँ पर देख सकते हो। सो होपफुली सब कुछ ऑन टाइम चल रहा है और थोड़े टाइम में मजा आएगा बिल्कुल लोकल कम्युनिटी के संग मिलकर। यस, थोड़ा उस साइड तो क्या है, म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड है तो उसके नज़दीक मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा बिकॉज कॉपीराइटेड सॉन्ग्स हैं। आप पूरा यहाँ देखो, ये पूरी आप जितना देख रहे हो इंडियन कम्युनिटी। देखो जैसे अगर आपको याद हो राष्ट्रपति भवन के आसपास जो परेड होती है ना इंडिया गेट के आसपास, देखो सेम माहौल है। अच्छा। यहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब पिक्चर्स वगैरह सब आप देख सकते हो, पूरा आप देख रहे हो। अभी तो यहाँ पे बिकॉज अभी भी लगभग आधा पौना घंटा बाकी है, ये सब इस तरफ जाएंगे और वहाँ पे पूरा रोड पे परेड होगा, वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। यार आप देखो लोग, मतलब साड़ी तिरंगे में है यार, मतलब आप सोचिए घर से लगभग 15,000-16,000 किलोमीटर दूर और इतने इंडियंस, मतलब जो कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे हैं वैसे, हमारा देश ऐसा है। बट आप ये देखो भाई, यहाँ पर उन लोगों ने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया है, कैन यू इमेजिन। अभी तो सेलिब्रेशन देखिए कितने कितने बड़े स्केल पे सेलिब्रेशन होगा, मतलब एक और थोड़ा बहुत लोगों को शायद इंडियन फूड वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कुछ शायद बॉलीवुड स्टार्स भी मिलेंगे। अच्छा। मैंने बोर्ड्स देखे हैं, लेट्स सी। यहाँ पर आप देखो पूरा, देखो ड्रोन वगैरह सब जबरदस्त भाई, बड़े स्केल पे मैंने उम्मीद नहीं की थी ये इतना अच्छा होगा, बट दिस इज ऑसम। परेड की शुरुआत होने दीजिए, फिर आपको दिखाएंगे। 2-3 सब्सक्राइबर भी हमको यहाँ पर मिले हैं भाई, यही है, चलते जाइए और सब मिलता जाएगा। फिलहाल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है,
अलग अलग मीडिया को भी बुलाया गया है, बट आपको ये बताना है यहाँ की स्टार्टिंग सैलरी अगर आप देखोगे यूएस में, देखो मेरे हिसाब से कम इट हैज़ टू बी $100,000, एक $100,000 अगर आप कन्वर्ट करोगे कुछ अराउंड 90 लाख आप मान लीजिए, और आप यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन देखिए तो मतलब जितने भी आप ये सब देख रहे हो ना मेजर मेजर, कम से कम आप मान लेना 1 crore एनुअली ये लोग यहाँ अर्न कर रहे हैं। मतलब ये दिखाता है अगर आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, अगर आपको सही सपोर्ट मिले तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं। और दो कम्युनिटी ज़्यादा हैं जो मैंने देखा है, वन इज़ गुजरात एंड सेकेंड इज़ तेलुगु। मतलब विदाउट एनी डाउट मैं ये कह सकता हूँ, ये देखो सब यहाँ पर तैयारी चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो बाई चांस अगर आपके बड़े सपने हैं, कुछ ज़्यादा अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, एंड इफ़ यू कैन मेक सम गुड सेक्रीफाइस देन दिस इज़ फॉर यू। होपफुली अगले 10-15 मिनट में परेड शुरू कर दी जाए। सोचिए मेयर ऑफ एडिसन जो हैं ही इज़ ऑल्सो एन इंडियन, समोसे पानी लोगों के लिए यहाँ बांटे जा रहे हैं कम्युनिटी आपकी। ये तो जितना आप ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा यूएस है, बिकॉज मैं मथुरा से हूँ, अगर आपको याद हो मथुरा में एक रामलीला मैदान है, वहाँ जो ऐसा बिल्कुल झुंड जमा होता है ना, ये देखो पूरे इंडियन इंडियन फ्लैग्स आप देख सकते हो। मतलब लिटरली बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यार मैं यूएस आया हूँ, मैं तो माहौल देख के ही सरप्राइज हूँ। सैलरी सोचिए, सैलरी कम से कम मैं आपसे कह रहा हूँ ना, एक डिसेंट एवरेज जो आपको चाहिए दैट इज अराउंड 1 crore, फिर इंश्योरेंस टैक्सेस वगैरह वो सब अलग है। यार कुछ कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा मेरे को तो, सच में लग रहा है यहीं टिक जाओ भाई। आपको भी समझ गई, यहाँ पर ये लीमू आई है आप देख लीजिए, द चीफ ऑफ गेस्ट इज हियर, दोनों आप देख लीजिए, सोनल चौहान इज देयर एंड प्लस सोनू शुड इज देयर, ये भी सही है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोनों बॉलीवुड बॉलीवुड सुपरस्टार, बॉलीवुड स्टार आप कह लीजिए, यहाँ पर दोनों को देख सकते हैं। दिस इज शार्प 2:00 और आप देखिए परेड की यहाँ से अब शुरुआत पूरी होने जा रही है। दोनों बॉलीवुड सेलिब्रिटी वहाँ पर हैं, पूरा आप देखिएगा परेड पीछे पूरा बैंड वगैरह हो गया। बताया गया है कुछ अराउंड 30 ग्रुप्स हैं, मतलब 30 परेड्स, मतलब 30 आप समझिए जैसे एक एक होता है ना, जैसे कोई आंध्र प्रदेश से है कोई महाराष्ट्र से है, तो ऐसे 30 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। लेट्स सी अब जितना होगा आपको दिखाएंगे। ये देखो ये ओक ट्री है, ओक ट्री रोड, ये पूरा अब यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। तो अगर आप बाई चांस न्यू जर्सी हैं, यूएस हैं, यहाँ जरूर आइएगा, बिल्कुल इंडियन कम्युनिटी माहौल आपको यहाँ पर मिलेगा, डोसा मिलेगा, पाव भाजी मिलेगी, जो खाना चाहें वो सब आप देखो। आपको ये लग रहा है यूएस है, देखो आप देख रहे हो ऑन कैमरा जितना आपको पूरा विजिबल होगा, देखो सब इंडियन है भाई साहब, सब इंडियन है, ऑल आर वर्किंग। हाँ मोस्टली आपको बता दूं, मोस्टली मैं तो टूरिज्म वीजा पे हूँ B1 B2, बट मोस्टली आपको यहाँ पर H1 पे मिलेंगे, या आपको मिलेंगे वर्क परमिट पर। भाई पूरी ऐसी पूरा ऐसा घर बसाया हुआ है, देखो रोड पर देखो, ये अब तक सच बता रहा हूँ ये माहौल मैंने अब तक सिर्फ इंडिया में देखा था, बट यहाँ यूएस में इतना दूर यार, मतलब दुनिया के लिटरली में दूसरे कोने में हूँ। बट आप देखो पूरा रोड ब्लॉक है भाई साहब, पूरा यहाँ से लगभग 2 miles, मतलब मान लीजिए शायद 4 or 4.5 kilometers हम चलेंगे, पूरी वॉक है और 2 to 2.5 hours की ये पूरी परेड होगी। देखो पूरा आपको दिखाऊं वाइड लेंस में, अगर आप जितना देख पाओ। अब परेड में क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या परफॉर्मेंसेज मिलेंगी, क्या क्या डिस्प्ले किया जाएगा, वो दिखाना है। ये आधुनिक यूएस की आप जहाँ की देखिए, राम जी की BMW पर राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और सीता जी आप यहाँ देख सकते हो BMW पर। आई गेस ये तो यस, ये हनुमान जी भी आप साथ में देख सकते हो। आई गेस ये ऐसा कुछ तो पहली बार और ऐसा आपको यूएस में ही देखने को मिलेगा। मज़ा आ गया, क्या ज़बरदस्त परेड की शुरुआत हुई है। यहाँ पर देखो काफिला, आप देखो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ काफिला, पूरा लोग देखिए, जहाँ तक आप देखोगे ना
लगभग 3 से 4 किलोमीटर आपको बताया, जहां तक आप देखोगे दोनों रोड साइड देखो और सब इंडियंस हैं, ध्यान रखिए, मतलब 1% 2% इंडियंस यूएस में कितना परसेंट टैक्स पे कर रहे हैं टोटल आपको बताऊं तो यूएस का आप जो 7% टैक्स है अब वो इंडियंस पे कर रहे हैं भाई, छाती मतलब क्या बोलूं मैं आपको, ये देखिए एक एक झांकी को आधा आधा घंटा लग रहा है आगे बढ़ने के लिए, लोग देखो पूरा यहाँ पर माहौल भाई, यहाँ तो जितना आपको दिखाऊंगा ना मैं उतना कम, बट मैं अयोध्या में था, राम मंदिर का इनॉग्रेशन आपको पता ही है, बट राम जी की तो ऐसा लग रहा है कृपा है, बट ये झांकी इतनी एडवांस झांकी मैंने आज तक नहीं देखी, ये देखो BMW पर सीता जी सवार है भाई एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। बिल्कुल, अब मैं पीछे आपको दिखा रहा हूँ, देखो परेड तो खैर चलती रहेगी, लगभग 3 घंटे की परेड आप मानेगा, 4-4.5 किलोमीटर का, बट ये जो आप देखोगे ये सिर्फ आपको, ये जो भाव है ना सेवा भाव, वो सिर्फ आपको इंडियन में मिलेगा। तो देखो आई गेस यहाँ पर ये रोगजा सर्व कर रहे हैं, बिकॉज मौसम धूप आप भी देख रहे हो पूरा, आप देखो भर भर के, प्लस ये पब्लिक के लिए समोसा तो मैंने आपको पीछे दिखाए थे, ये देखो यहाँ पर ये लोग पानी की बोतल भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पानी की बोतल मेरे हिसाब से कम वो बड़ी वाली अगर आप देखोगे तो $2 की है, पर यहाँ पर दे आर गिविंग इट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो रोबजा एकदम आइस वाला ठंडा ये लोग पिला रहे हैं, मैंने रोबजा पिया है एकदम कड़क, और दादा आप क्या समोसा भी लोगों के लिए बांट रहे हो, अरे पंजाबी बार है पाजी, लंगर लगाया हुआ पाजी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप पूरा देखो, ये देखो लोग एकदम गर्मा गर्म समोसा भी लोग सब बांटते हुए, पूरा आप जितना वॉक करते जाओगे ना उतना कम है भाई साहब, सच में जहाँ दे मतलब लिटरली मतलब लग ही नहीं रहा यार, ये आप सोचो ये यूएस है, देखो पूरा आप देखोगे ये देखो ऐसे माहौल, ऐसा एम्बियंस आपको ज़्यादातर इंडिया में ही मिलेगा। मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर डांस परफॉर्मेंसेस ज़्यादा होंगी, बट आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा वॉक वाला ज़्यादा है, देखो ये जा रही है एक यूपी की, उत्तर प्रदेश की समथिंग, खाली एक वॉक है, मतलब दे आर प्रमोटिंग देयर ओन स्टेट। अब जो लोग यूपी से होंगे वो देखिए वो यहाँ पर खाली वॉक करते हुए जा रहे हैं, लाउड म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ तो ऐसा लग रहा है इंडियंस ने पूरे अमेरिका पर जैसे कब्जा कर लिया हो, एंड दिस इज 10th August। बाय एनी चांस अगर आप ये वाला व्लॉग यूएस से देख रहे हो, आपको बता दूं 18th अगस्त को न्यूयॉर्क में और परेड है, तो आप वो वाला बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कोशिश करूंगा अगर मैं 18th अगस्त वाली परेड वो भी आपको दिखा पाऊं, वो वाली और भी बड़ी परेड है। देखो अब ये एक और फ्लोट यहां पर जा रहा है, एक और ग्रुप पीछे जा रहा है, देखो ये उत्तराखंड का क्या बात है, रंगीलो घड़वाल ये हुई ना कुछ बात, ये आपको दिखाते हैं माहौल ही अलग है पूरा, जहां तक आप देखोगे अभी हेलीकॉप्टर भी गया, जहां तक आप देखोगे पूरा आपको इंडियन ही इंडियन नजर आएगा, जो अंग्रेज जो अमेरिकन देख रहे हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई ये हो क्या रहा है हमारे देश में सही बात है भाई, दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। ये देखो ये उत्तराखंड की एक आई, चलिए थोड़ा सा आपको ये दिखाएंगे, ऊपर लिखा हुआ उत्तराखंड, कैन यू इमेजिन दिस, आपने पुरी में उड़ीसा में जय जगन्नाथ यात्रा देखी होगी, कितने बड़े जय जगन्नाथ कितने बड़े स्केल पर होती है, और देखिए अब न्यू जर्सी में यूएस में आप देखिए यहाँ पर लिटरली लोग देखिए जय जगन्नाथ की यहाँ पर यात्रा निकलती हुई आ रहा है, थैंक यू सो मच। यस देखिए पूरा जय जगन्नाथ, एक बार मेरे संग बोल दीजिएगा जोर से जय जगन्नाथ, क्या बात है, मतलब अब पूरी में ही देखा था वहाँ पर जय जगन्नाथ के मैंने दर्शन भी किए, अगर आपको यह पता हो ये देखिए जबरदस्त, अगर आप देखोगे मैंने सोचा वर्चुअली मैंने सोचा आपको दर्शन करा दूँ, देखिए पूरी यात्रा यहाँ पर निकलती हुई इंडिपेंडेंस डे परेड में जय जगन्नाथ।
मतलब दर्शन करके दिल खुश हो गया। ऐसा ऐसा एटमोसफियर आपको मिलेगा कहीं यूएस में भाई। मैं तो सोच रहा हूँ आई एम द लकी वन कि मेरे को ये परेड अटेंड करने को मिली है। देखो लिटरली आप देख सकते हो बिल्कुल सेम जैसे जय जगन्नाथ की यात्रा निकलती है ना उड़ीसा में, बिल्कुल वैसा ये देखो। और लोगों को आप देखो, लोगों को प्रसाद भी यहाँ पर बांटा जा रहा है। पूरा रथ देखिए इन्होंने कितना सुंदर बनाया है, जय जगन्नाथ। मैं सोच रहा था कि ये परेड, इंडियन परेड कहाँ खत्म हो रही है। कुछ 6-7 किलोमीटर में चला हूँ और आप देखो फाइनली यहाँ पर आप एंड देख सकते हो। पूरा जितना भी फ्लोट्स है सब यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरफ देखिए ये यहाँ पर पूरी परेड एंड हो रही है। पूरा आप लाउड म्यूजिक देखिए, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स आप देखिए, यहाँ पर कुछ कल्चरल शोज होने वाले हैं और आसपास अगर आप ब्रांड्स देखोगे सब इंडियन ब्रांड्स आप देख सकते हो। भाई लग ही नहीं रहा ये इंडिया है, मतलब इंडियन परेड में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस, बहुत इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। और देखिए पुलिस ने यहाँ पर क्या ज़बरदस्त अरेंजमेंट किए हैं। यस पूरा आप देखो ये जितने भी फ्लोर्स हैं सब देखिए, यहाँ जाके पूरी परेड फाइनली यहाँ पर हमारी परेड ख़त्म हो रही है। भाई ऐसा अरेंजमेंट न्यू जर्सी में, आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी। देखो लोग यहाँ पर आते हुए और देखिए इस तरफ अभी लोग जाएंगे, वहाँ पर पूरे कल्चरल शोज चल रहे हैं। ये थोड़ा सा दिखाना आपको डिफिकल्ट होगा, पूरा आप यहाँ पब्लिक देखिए भाई साहब, पूरी लग ही नहीं रहा यार ये अमेरिका। यहाँ पर खाने में आपको दिखा दूँ, पाव भाजी दिया गया है। यस ऑल गुड, अमेरिका ही है, अमेरिका ही है। यहाँ पर आपको दिखाऊँ ये वाइट सॉस पास्ता है इस तरफ, ठीक है। और इस तरफ आपको दिखाऊँ यहाँ पर ये पापड़ी दी गई है, ठीक है। पूरा आप ये देख लीजिएगा, पाव भाजी वगैरह सब कुछ, सैलेड वगैरह हो गई, पूरा ये वाइट सॉस पास्ता इस तरफ दिया गया है। हाँ लोग आराम से सब खाना खाते हुए, और रिमेम्बर दिस इज ऑल कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ और यहाँ पर स्वीट में अगर आप देखोगे डेजर्ट में तो ये लोग यहाँ पर आइसक्रीम सर्व कर रहे हैं। देखो पूरा आप देखो भाई, बिल्कुल ऐसी वाइब है जैसे मैं किसी इंडियन शादी में हूँ लिटरली यार। मतलब एक पल को तो मैं बिलीव नहीं कर सकता। तो देखो पूरा यहाँ सब देखिए, जितने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने परेड में पार्ट लिया सबके लिए दिस इज़ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री फॉर एवरीवन। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ खाना पीना एंजॉय करूँगा, बट मैंने आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम एकदम मस्त। आगे की तरफ शो चलता हुआ, देखो यहाँ पर भाई क्वान्टिटी वगैरह में तो कुछ नहीं है, खाइए इट इज़ अनलिमिटेड जितना आप खा सकते हैं। वाइट सॉस पास्ता तो बढ़िया लग रहा है। पाव भाजी किस किसी को पसंद है भाई, ज़रा कमेंट करके बताना। परेड की शुरुआत हुई थी 2 बजे। इधर ये वीडियो खत्म यार वजाद, मैं तो हैरान रह गया हूँ कि न्यू जर्सी अमेरिका के रोडों पे इंडिया ने बना क्या रखा हो यार। भाई साहब उधर गोरे भी आए हुए हैं, गोरियां भी आई हुई है भाई, गोरियां इंडियन साड़ी में भाई साहब, पूरा फ्लैग, पूरा फ्लैग, मतलब के भाई साड़ी को इंडियन फ्लैग बनाया हुआ, मतलब इंडियन फ्लैग वाली साड़ी पहन के गोरियां भी भारतीयों के साथ, गोरे भी भाई साहब यहाँ पे वो बैनर लगा के भारत का भारतीयों के साथ परेड में उधर हिस्सा ले रहे हैं। और जो अंग्रेज उधर हैरान हो रहे हैं, अबे अंग्रेजों की छोड़ो भाई साहब, वहां पर जो पाकिस्तानी रह रहे होंगे उनके छातियों पे छुरियां कैसे चली होंगी ये सोचो बस। ये क्या, ये सोचो बस के भाई साहब उनकी तो तुम लोगों ने इज्जत उतारी वहां पर खड़े होके, देखो भुतरी क्यों, तुम्हें यहाँ पे कोई कुत्ते की तरह इज्जत नहीं देता। और हम भारतीयों की शान देखो कि सिक्योरिटी के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है और नीचे पुलिस, और भाई साहब साथ साथ रोड ब्लॉक, पाकिस्तानी तो मर गए होंगे उधर खड़े खड़े जो वहां पर कसम से देख रहे होंगे। यार इतने बड़े रोड ब्लॉक करना वजह कोई 7-8-10 किलोमीटर का, और भाई बिल्कुल वही तो कोई एक गाड़ी भी उधर से नहीं गुजरी, नहीं गुजरी यार। तो इंडिया का हर खम, मैंने खम्बे का अंदाजा लगा, हर खम्बे पे इंडिया की फ्लैग, भाई इंडिया की ताकत नजर आ रही थी यहाँ पे कि भाई ये भारतीयों की ताकत। ये अमेरिका में 10% का टैक्स सिर्फ भारतीय दे रहे हैं, मैं तो ये दर दे के मेरी सिटी को आप अंदाजा लगा, मतलब के अमेरिका 10% भारतीयों के टैक्स पे चलता है, अंदाजा लगा लो, क्योंकि एक देश टैक्स पे चलता है। हाँ बिल्कुल, तो समझो जिस देश के अंदर 10% की भाई साहब भारतीयों ने अपनी हाथ दिए हुए हो तो सोचो उस देश की कितनी पावर है उस देश का। आज अमेरिका तभी तो गिरता, तभी तो वहां पे 15 अगस्त घोषित हो गया और ये उसके रिजल्ट। और ये भाई ये लग ही नहीं रहा कि ये अमरीका था, नहीं 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 एक पल में भी ऐसा नहीं लगा, ऐसा लग रहा था कि इंडिया की कोई स्टेट हो यार। आपने अंदाजा लगा ना, लग ही नहीं रहा, इसमें गोरे भी आए हुए हैं, गोरियां भी आई हुई हैं, सारे आए हुए हैं। आप वो देखो कि आगे पुलिस की गाड़ियां, पीछे भारतीयों की लाइनें, भाई साहब इंडियन तिरंगे शान से लहरा रहे हैं।
भाई वो बंदा व्लॉगर भी कहता है यार मेरा पहली बार है अमरीका में और मैं खुद हैरान रह गया कि भाई साहब ये अमरीका में बना हुआ क्या। हाँ ना, मैं पहली दफा ये चीज देखी है, ये पहले मैं इंडिया में चीज देखता था, आज अमेरिका में ये चीज देख रहा हूं। भाई यूं लग रहा है कि ये भाई साहब इंडिया ही है, ये सिर्फ हुआ है किसके कारण, मोदी के कारण। बिल्कुल, आप लोग जो भी मोदी को बोलो आप उसको पसंद करते हो नहीं करते, लेकिन ये जो रिजल्ट तुमने आज देखे है ना, ये जो आज तुम लोगों ने प्राउड से दिल में बोला था यार ये देखो भारत की शान, ये सिर्फ मोदी की वजह से हुई है, ये और कोई करने वाला नहीं है। 9-10 सालों में ये उन्होंने अपनी बनाई है ताकत होता, देख लो भाई साहब कि अमरीका भारत के कदमों में घोषित कर दिया और वहाँ की सड़कों पे मना, पाकिस्तान का देखो कभी किधर किसी देश में आया कि इतना बड़ा रोड ब्लॉक किया गया हो तो इंडिपेंडेंट डे मनाया। मैं वही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तानी देख देख के मर गए होंगे, अपनी छातियां पीट रहे होंगे, उधर छातियां पीट रहे होंगे कि भाई हमारे देश को गर्क करके रख दिया और वहाँ पर देखो क्या क्या बना हुआ, अगले क्या बना रखा यार, खाना फ्री दे रहे, ओहो यार कोई लेवल है खाना, और साथ लस्सी रूह अफजा, और भाई खाने भाई साहब साथ लंगर फ्री में लगे हुए हैं, समोसे फ्री में बांट रहे हैं, लेवल बना हुआ है भाई, फ्री 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 कुछ भाई। तो भाई साहब आपके क्या तोड़ है जो इतना हैवी किस्म का सेलिब्रेशन हुआ है अमरीका में, इधर ही वीडियो तुम करते हो तो